अगर लड़की रहती ना मेरे पास। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो दोस्तों, आप लोगों को मैं बताऊं, जैसे मैं सुबह सुबह ना सो के उठा, सच्ची बता रहा, इतना अच्छा नींद लगा था ना, मैं सोचा चलता हूँ ब्लॉग बनाऊंगा सुबह सुबह, आज पूरा दिन ब्लॉग ही बनाऊंगा। तो जैसे मैं ब्लॉग बनाने के लिए माइक अपना निकाला ना, तो फिर मेरा माइक ऐसा सीन हुआ, चूहा मेरे रूम के अंदर, चूहा है ना, तो चूहे ने मेरा माइक, इतना महंगा माइक था, पूरा ऐसी क्या बता, कहीं कहीं पे काट दिए हैं। आप देख सकते हैं माइक का, ये तो पूरा सेटअप है, मतलब ये मशीन लगा हुआ है, और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। और चूहा ऐसे से काट दिए हैं कि पूरा वायर ही निकल चुका है, यहाँ देख सकते हो किस तरह से, यहाँ चूहा काट दिया है, पूरा वायर दिख रहा है, बहुत 4-5-6 जगह काट दिए हैं, पूरा मूड ही खराब हो गया। और ये माइक मैं ना, मैं खुद के पैसे से नहीं लिया था, मेरे घर के पीछे एक मतलब पढ़ाते हैं ट्यूशन, तो वो वीडियो बनाते थे, तो फिर उन्होंने ये सब करना बंद कर दिया वीडियो बनाना, तो फिर उन्होंने माइक मेरे को दे दिया और बोले तुम ब्लॉग बनाते हो माइक ले लो, आवाज क्लियर आएगी, अच्छी आएगी, तो ऑडियंस को ज्यादा पसंद लगेगा आवाज, तो फिर इसलिए मैंने माइक ले लिया उनके हाथ से। तो मैं इसको सही से रख नहीं पाया, चूहे ने काट दिया, क्या ही बताऊं। फिर मैंने एक डब्बा लिया ना, अब मैं इसी में सोचता हूं कि इसी में रख के पैक कर दूंगा, ये बहुत ही अच्छा डब्बा है, देख सकते किस तरह से, इस तरह से बंद हो जाता है। मैं पहले अगर सेफ्टी यही पहले ही किया होता ना, तो आज ये नहीं हुआ होता, बहुत ही महंगा माइक था। मैंने उनको जब सुबह ही बोला ना माइक को चूहा काट दिया है, तो उनको बहुत ही बुरा लगा, लेकिन वो बोले कि कोई बात नहीं, चलो काट दिया सो काट दिया, लेकिन मेरे को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि अगर कोई भी तुमको सामान दे रहा है कोई यूज करने के लिए, अगर तुम उसकी केयर ना करो, तो अगले को अगर बताओगे कि तुम्हारे सामान का ये हाल हो गया है, उनको भी बुरा लगेगा। तो आप लोग किसी का सामान लो तो फिर उसको सेफ्टी से रखो, ताकि अगले को बुरा ना लगे। अभी हमको जाना है खेत में, मेरी चाची और हम और मेरे चाचा, खेत में थोड़ा बहुत काम है, खेत की सफाई करनी है, घास उस बहुत ज्यादा जम गया है, तो चलिए पहले वहाँ पे चलते हैं। दोस्तों जैसे ही खेत में आया ना, तो पहले नीम का दातून तोड़ के अपने मुंह में घुड़े से लिए, दातून अभी कर रहे हैं, सुबह से मैंने दातून नहीं किया था। और मेरी चाची अभी देखी किस तरह से पीछे बैठ के घास को अलग कर रही है, खेत से निकाल के फेंकने वाली है, इसमें भी कहीं कहीं पे ना धान का जो बीज होता है वो अभी है, तो उसको निकाल निकाल के अलग कर रही है। और यहाँ का मौसम बहुत ही ज्यादा सुहावना, सुबह सुबह देखिए किस तरह से बादल लगे हुए हैं, बारिश और होना पक्का ही तय है। मैं एक बात बताऊँ, मैं किसी के सामने ना जब ब्लॉग बनाता हूँ, यहाँ पे चाचा मेरे अभी देख सकते हो किस तरह से खेत की पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा डॉगी अभी यहाँ पे बैठ के ना मौज मस्ती कर रहा है, देख सकते हो अपने शिकार पे अभी है। जब मैं किसी के साथ ब्लॉग बनाता हूँ ना, तो मैं किसी के सामने बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को आती है शर्म, तो मैं घर पे आके जब वीडियो एडिट करता हूँ तो ओवर वॉइस कर लेता हूँ। पंपिंग सेट लेकर यहाँ पे आ गए थे और यहाँ पे लगा दिया है, यहाँ पे देख सकते हो एलियन सुबह सुबह चले आते थे, बोले थे कि खेत में पानी चलाने के लिए, तो इसलिए मैं चलाया खेत में, और देखिए पानी कितना दूर गया, या उधर जहाँ वाला खड़ी है ना वहाँ पे जा रहा है पानी, उतना दूर यहाँ पे लगा हुआ है। फिलहाल दोस्तों ना मेरे चाचा अभी देखिए सब कुछ साफ कर दिए थे, और यहाँ पे मेरी चाची अभी देखिए खरपतवार जो भी है ना सब आटा आटा के अलग कर रही हैं, एक साइड लगा रही हैं ताकि अच्छे से साफ हो जाए। और आप लोग देख सकते हैं हर भरा घास, और यहाँ पे देखिए किस तरह से सफाई हो चुकी है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, कोई नहीं करता है। अगर लड़की रहती ना मेरे पास, सच्ची बता रहा हूँ, मैं अकेले ब्लॉग बनाता हूँ ना, मेरे साथ कोई नहीं रहता है, ना ही कोई मेरा दोस्त, ना ही कोई लड़की, तो आप लोग जरूर करते, मैं अकेला ब्लॉग बनाता हूँ ना, इसलिए मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद नहीं लगता, बकवास दिखता है, लेकिन आप लोगों को ना धीरे धीरे आगे पता चल ही जाएगा बकवास नहीं है, जो भी बनाता हूँ दिल से बनाता हूँ ब्लॉग, तो आप लोगों को पसंद भी नहीं आता, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, अब तक सब्सक्राइब यार हमको सपोर्ट मिला होता ना, तब मैं गया था थोड़ा बहुत तो आगे निकल ही गया होता, फिर भी कोई बात नहीं, धीरे धीरे आगे निकलेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, जो सच्ची बात कर देना यार, कर देना। तो मिलते अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।